हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी चटनी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 250 ग्राम आम लिए हैं, जिसको हमने ये छील लिया है। और ये मैंने गुड़ लिया है, ये गुड़ 100 ग्राम है। ये रोस्टेड मसाला है, ये जीरा, ये लाल मिर्च है 2-3, ये राई है, ये सौंफ पाउडर है, हल्का दरदरा मैंने पीसा इसे, ये कलौंजी है, ये काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा मैं ऑयल लिया हमने। तो हम ये आम सबसे पहले इनको हम कट कर लेंगे। तो इसके अंदर जो ये बीज होता है उसको हम निकाल देंगे। तो ये इनका जो साइज है, पतल जिस हिसाब से भी आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। तो हमें इस टाइप में काटेंगे। तो हम पहले आम सब कट कर ले रहे हैं, इसके बीज इस टाइप में निकाल दे रहे हैं हम सब। ये देखिए, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ये ऑयल डाल दे रही हूँ, 1 चम्मच के करीब मैंने डाला है। ऑयल गर्म होते हम इसमें अपना जीरा राई डालेंगे। ये देखिए, ऑयल हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डाल दे रही हूँ। और ये हम राई डाल दे रहे हैं। और ये हमने लाल मिर्च ले रखी है, इनको हम तोड़ के डालेंगे। राई जीरा चटक गया, मैं इसमें ये आम डाल दे रही हूँ। हम मिक्स कर दे रहे हैं। अब मैं इसमें ये थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ ताकि आम गल जाएं। मैंने ये 1/2 ग्लास के करीब पानी डाला है। जब तक ये आम गल रहे हैं तब तक इसको हम ढक करके थोड़ी देर के लिए पका ले रहे हैं, तब ताकि आम ये गल जाएं। और इसकी गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे। ये देखिए, आम गल चुके हैं। अब हम इसमें ये अपना गुड़ डाल दे रहे हैं। गुड़ आप आम पे डिपेंड करता है आपके कि आम कितने खट्टे हैं। अगर आम ज़्यादा खट्टे हैं तो आप गुड़ की मात्रा और बढ़ा सकती हैं। गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकती हैं इसमें। और इसमें अब हम ये कलौंजी डाल दे रहे हैं। और ये सौंफ पाउडर और ये काला और सफ़ेद नमक हमने ले रखा है। तो अभी हम इसे पका लेंगे, अभी गुड़ गलने तक। देखिए, आम पूरे गल चुके हैं। अब इसको हम ढक करके पका ले रहे हैं। ये देखिए, ये गुड़ गल चुका है, आम भी मेरे एकदम गल चुके हैं। देखिए, अब हम इसमें अपना ये रोस्टेड मसाला डाल दे रहे हैं। ये हमने 2 चम्मच भर के लिया था। तो ये आम की खट्टी मीठी चटनी है। कई जगह इसे आम की लौंजी बोलते हैं, कहीं इसे आम का गलका भी बोला जाता है। तो इसे कई जगह अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। और देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आम भी मैं गल चुके हैं एकदम। देखिए, आप इसे पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए, आम की चटनी खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं। ये देखिए, मेरे आम की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।